जिला में जेल मास्क लगाकर बंदी से मिल रहे मुलाकाती, कोरोना से जागरूकता बचाएगी जान। पूरे देश में कोरोना का भय लगभग लोगों में बना हुआ है, जबकि कोरोना का एक भी मामला अभी जिले में संज्ञान में नहीं आया है। इसके बावजूद लोग भयवश मास्क लगाकर घूम रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। कौशाम्बी जिले जेल में बंद अपने लोगों से मुलाकात करने वाले मुलाकाती भी जेल में मास्क लगाकर आ रहे हैं। जिला जेल में बंद परिजनों से मिलने पहुंचे मुलाकाती मास्क लगाकर पहुंचे, वहीं जेल में बंद बंदी भी अपने परिजनों से मास्क लगाकर ही मिले। जिला जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद ने बताया कि लोगों में कोरोना के प्रति भय व्याप्त है, लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं है, जबकि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। यह अब तक की यह बीमारी बाहर देश से आए लोगों पर ही देखी गई है, इससे डरने नहीं बल्कि बचने की जरूरत है। जेल अधीक्षक लगातार बंदियों को और उनसे मिलने आ रहे मुलाकातियों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। खबर जगत के लिए प्रयागराज से एलएन सिंह की रिपोर्ट। पहले तो कोरोना वायरस से कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक वायरस से डिसीज है, एक बीमारी है, जिसको हो जाती है बीमारी उसको आइसोलेशन की जरूरत होती है। वो मास्क पहने और मास्क पहनकर के इसलिए रहे कि उसके द्वारा किसी दूसरे को ये बीमारी ना चली जाए। मास्क पहनना एक एहतियातन कार्रवाई है, अगर लोग पहनते हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग इससे इन्फेक्टेड है उनसे दूर रहा जाए, मास्क लगा करके ही उनसे बात की जाए। जेल में हम मास्क बनवा रहे हैं, हमारे बंदी जो कि अदालत जाते हैं और मुलाकातियों से मुलाकात करते हैं, इसलिए एहतियातन उनको मास्क पहनने की हिदायत जो है दी गई है कि बाहरी व्यक्तियों से कोई बात करें, मिले तो मास्क पहनकर बात करें।